सुनो, कल आनंद नगरी और धौलपुर के पहलवानों के बीच कुश्ती का मुकाबला होगा। धौलपुर के मंगलू पहलवान का ये दावा है कि आनंद नगरी से कोई उसे हरा नहीं सकता। सबके सब डरपोक हारने वाले ही हैं क्या आनंद नगरी में? क्या कोई नहीं जो मुझे हरा सके? और कोई है क्या जो मंगलू की चुनौती स्वीकार कर सके? हाँ, मैं कोशिश करना चाहूँगा। तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें तो यूं मसल दूंगा मैं। आओ आओ, आनंद नगरी इतनी बुरी तरह से हार रही है कि एक बच्चा लड़ने आ रहा है। सुना, एक बच्चा लड़ने आ रहा है। चलो आ जाओ और हार जाओ। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। खेलने से पहले थोड़ी लस्सी तो पी लेता हूँ। क्या हुआ, गुस्सा हो गए मंगलू पहलवान? मुझे पकड़ के दिखाओ तो जरा। अभी बताता हूँ तुम्हें। दुर्मुख भाई ने कहा था कि इस वन मानुष से अगर गांव में अशांति होगी तो वो मुझे बहुत पैसे देंगे। अब क्या करेंगे कृष्णा? हमें असली मुजरिम को पकड़ना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। जो हम कहें वैसा ही करो, वरना तुम्हें भोला जी के पास ले जाना पड़ेगा। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत ही डरावना। हम भी तैयार हो जाते हैं। चलो कृष्णा, अब दुर्मुख चाचा को सबक सिखाते हैं। तो तुम्हें आज भोला के घर जाने को कहा था ना, और तुम यहाँ चले आए।
पर गुर्रा क्यों रहे हो? बोलती बंद हो गई है क्या? मालिक, 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 मुझ पर एक सचमुच के वन मानुष ने हमला किया। आ, 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 मालिक, अरे यही है वो, इसके और साथी भी हैं, वो देखो पीछे। ये इस वक्त कौन आ गया? हमें बचा लीजिए भोला जी, ये वन मानुष हमें खा जाएगा। दुर्मुख भाई, शायद ये हमसे नाराज है कि हमने इनका गलत इस्तेमाल किया। आप भोला जी को सब सच सच बता दीजिए, वरना ये वनमानुष आज हमें नहीं छोड़ने वाला। भोला, इस मनसुख को मैंने ही पैसे दिए थे वनमानुष बनकर गांव के लोगों को डराने के लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? वो मैंने सोचा कि वनमानुष के डर से गांव के लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और तुम्हें प्रमुख के पद से हटाकर मुझे नियुक्त करेंगे। अब मुझे माफ कर दीजिए और इस दानव से बचाइए मुझे। यूं दुर्मुख चाचा, 100 सोनार की 1 लोहार की। वैसे अब तुम्हारा पैर कैसा है सुद्दी? हाँ, वैजी ने बताया हुआ 1 महीना तो खत्म होने को आया है ना? हाँ सुद्दी, बस 4 दिन और बचे हैं, फिर तुम भी हमारे साथ खेलने आ सकोगे। हाँ, और गुरुकुल भी आ सकोगे। वैसे मेरा दर्द पूरी तरह से तो कम नहीं हुआ है अभी, देखते हैं 1 महीने बाद भी ठीक होता है कि नहीं। वैद जी ने ये भी तो कहा था कि हो सकता है तुम 1 महीने से पहले ही ठीक हो जाओ सुद्दी। हाँ, पर मैं इस बार हर सावधानी बरतना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा सुद्दी, वैसे अब हम सबको भी चलना चाहिए। हाँ, भोजन का समय भी तो हो चला है। क्या हुआ किसना, तुम कुछ सोच रहे हो? मुझे लगता है सुद्दी ठीक तो हो गया है, मगर ठीक होना नहीं चाहता। मतलब? मैं समझा नहीं। शायद मैंने सुद्दी को बिस्तर पे चल के जाते हुए देखा है। मगर उसकी इस तरह के बर्ताव का क्या मतलब हो सकता है? मेरे पास एक तरकीब है, इधर आओ। अब मैं और कुछ दिन और गुरुकुल नहीं जाऊंगा और घर में रह के मजे करूंगा। वाह! ये हवा में कैसे उड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? भूतराज है मेरा नाम,
और झूठ बोलने वाले बच्चों को पकड़ना है मेरा काम। झूठ? नहीं नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है कि तुमने क्या झूठ बोला है। क्या? क्या पता है तुम्हें? यही कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। मेरा पैर अब तक ठीक नहीं हुआ। अच्छा बच्चे, भूत राज से झूठ, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। नहीं, मुझे मत खाओ, मेरा पैर अब ठीक हो गया है। लगता है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तो फिर हमें नाच के दिखाओ। बस करो, अब बस भी करो, मुझे माफ कर दो। कृष्णा, कृष्णा! क्या हुआ सुद्दी? कृष्णा, कृष्णा, मुझे बचाओ, एक भूत मुझे खाना चाहता है। हाँ। अरे तुम कृष्णा हो? हाँ, तुम भूत हो? कृष्णा भूत, भूत कृष्णा। तुम्हें सड़क पर क्यों खेलते है? है? सड़क पर नहीं, मैदान में खेल रहे हैं। मैं तो गिल्ली उठाने आया हूँ। अगर गिल्ली मुझे लग जाती तो? लेकिन गिल्ली तो आपसे बहुत दूर पड़ी है, आपको कैसे लग जाती? सुद्दी, गिल्ली मिली क्या? हाँ कृष्णा, मिल गई। आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बड़े शरारती बच्चे यहाँ के। इधर आओ, जल्दी, तुम सब भी इधर आओ। बताओ लाल मकान किधर है? ये रहा मकान। ये पहलवान, तुम हमारा सामान उठाओ और हमारे साथ चलो। शीघ्र पोड़ा। बल्लू भैया, बक्सा बहुत भारी है क्या? हाँ कृष्णा। तो हल्का कर देता हूँ। अयो, ये सब भाग क्यों गए जी? मेरा सामान किधर गया? देख लेगा, अब ये क्या तक देख लेगा, छोड़ेगा नहीं। अयो, ये लोटा हवा में कैसे उड़ रहा जी? नीचे आओ। बहुत प्यास लगी है। अयो, ये सपना है या सच्चाई जी? ए मर गया रे बाबा। मैं हूँ बच्चों का रखवाला भूत। मैं तुम्हें कबूतर बना दूंगा और तब बास तुम्हें परेशान करेंगे। यही भूत जी, आपको छोड़ दो जी, आपको छोड़ दो। तो वादा करो, अब बच्चों को बिना किसी वजह सजा नहीं दोगे? अब वादा करते जी,
कि अब कली आनंद नगरी को छोड़कर चला जाएगा। आनंद नगरी के बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। यहाँ रहकर बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन बिना वजह सजा मत दो। अयो स्वामी, हम खूब मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएगा। ऐ कसम का दे। खिड़की वाली दीवार मेरी। हरगिज नहीं, मैंने पहले ही कहा था खिड़की मैं लूंगी। लेकिन पहले मैं कूदा हूँ, इसलिए ये मेरी जगह है। पर कहा तो पहले मैंने, वैसे खिड़की बनाई मैंने थी। ओहो दोस्तों, झगड़ने के बजाय ऐसा करते हैं, जो अपना सामान लेकर पहले आ गया वो जगह उसकी। अरे तुम सब मंजूर तो कह देते। शायद कोई और ही हमसे पहले आ गया। पेड़ अगर चंपू बंधु के दादाजी ने लगाया था तो क्या पेड़ उनका हो गया? और पेड़ तो पेड़ घर भी उनका हो गया। हम यहाँ परेशान हैं और वो देखो, वो मजे से सो रहे हैं। तो चलो हम उन्हें सोने नहीं देंगे। चंपू, लगता है भूकंप आ रहा है। भूकंप नहीं, लगता है हाथी आ रहे हैं। हाथी नहीं, लगता है कोई राजकुमारी आ रही है। राजकुमारी, वो देखो। हमला राजकुमारी पर? हमला किसने किया? उन्होंने। हमने? नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो तो पेड़ से गिरी थी। सैनिक, पेड़ काट दो। अरे पेड़ का क्या कसूर, सजा तो इस पेड़ के मालिक को मिलनी चाहिए। हाँ। कौन है इसका मालिक? ये दोनों, इन्हीं का पेड़ है ये। ठीक है, इन दोनों को बंदी बना दो। झूठ बोलता है ये तोता, ये पेड़ हमारा नहीं है। नहीं है तो इस पेड़ घर में तुम क्या कर रहे हो? माफ कर दो हमें, ये पेड़ घर भी हमारा नहीं है।
हम तो बस टहलते हुए यहाँ आ गए। अरे पर अपना सामान तो लेते जाओ। वो सामान भी हमारा नहीं है। देखा दोस्तों, गुस्सा नहीं, आखिर में हम चारों की अकल ही काम आई। इंतजार, भूख भूख, इंतजार। वो रहा किसना। दोस्तों ये लो मक्खन। अरे ये क्या, खाली? सारा मक्खन खा लिया। भूख लगी थी। भूख लगी, अब मैं क्या करूं? टोटो चिंता मत करो, हम फिर से मक्खन ले आएंगे। क्यों, मस्ती के लिए तैयार हो? मस्ती? इसका मतलब और इंतजार? नहीं। देखो, अरे माखन गायब? मेरा माखन खा गया। हमारे घर का सारा मक्खन चोरी हो गया। इस बार किसना ने तो हद कर दी, हमारे घर का सारा माखन चुरा लिया। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा माखन लेता था, उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी, पर आज सारा माखन ले लिया तो हम क्या खाएंगे? मैंने किसना? नहीं पिताजी, इतना मक्खन तो मैं भी नहीं चुरा सकता। झूठ बोल रहा है आपका लाडला। सब लोग सुन लीजिए, मैं कल सुबह तक सारा मक्खन वापस ले आऊंगा, किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। हे अल्तू। हाँ फालतू। बहुत ही अच्छी खुशबू है और भूख भी लगी है। चलो। अब ये खास जड़ी बूटी। अब शुरू होगी मस्ती। Thank you.
खा रहा तैयार भी है। क्यों खाने का मजा आ रहा है? हमारी जड़ी बूटी कमाल की है। क्यों जल्दी जाना है क्या? छोड़ दूंगा मगर आनंद नगरी की ओर कभी नहीं आना। और नहीं आएंगे। भैया आगे कीचड़ है, उछल के पार करो। टोटू क्या तुम जानते हो जंगल में मधुमक्खियों के शहद वाले छत्ते कहाँ हैं? ओफो किस्ना, ये शहद खाने का समय नहीं है। ओफो टोटो, जानते हो या नहीं? जानता। इससे पहले कि ये आनंद नगरी के लोगों पर हमला करे, हमें इसे जंगल की तरफ ले जाना होगा। आओ आओ आओ। शहर के छत्ते बस थोड़ी ही दूर है, उस तरफ। अब इसे वहीं ले जाना होगा, तुम लोग यहीं रुकना। अब ये यहाँ से कभी नहीं जाएगा।